जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th जनरल इंग्लिश। चैप्टर नंबर 3, अ फादर्स लेटर रिटन बाय विलियम हैजलिट। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का पाठ 3, एक पिता का पत्र जो विलियम हैजलिट के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे। विलियम हैजलिट इज एन eminent prose writer of English literature. He has written this letter to his son. It is a beautiful piece of advice given by a father to his son. इस पाठ में एक पिता ने अपने पुत्र के सोच के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक रूप से व्यक्त किया है। उनका मानना है विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में ही समाहित होता है। पिता अपने पुत्र के सकारात्मक सोच को जगाकर उसके ज्ञान का अनावरण करता है और यही सकारात्मक सोच पुत्र की प्रतिष्ठा का आधार होगा। वह मानते हैं जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण में सकारात्मक सोच ही आधार होता है। इन दिस लेसन विलियम हैजलिट, व्हाटएवर मिस्टेक ही हैज कमिट इन हिज लाइफ, ही वॉन्ट टू वॉर्न हिज सन अबाउट दीज मिस्टेक्स। उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं उनके प्रति वे अपने पुत्र को सलाह देना चाहते हैं, ताकि वो भी अपने जीवन में इन गलतियों के प्रति अपने आप सावधानी बरत सके। एट वॉट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। तो बच्चों, आइए हम इस पत्र के माध्यम से जानते हैं कि विलियम हैजलिट जो है वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे साथी, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इन टू द वर्ल्ड। अब तुम विद्यालय में रहने जा रहे हो और इसे तुम दुनियादारी या संसार में अपना प्रथम प्रवेश मान सकते हो। एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट एंड आई मे नॉट बी विथ यू लॉन्ग, आई विश टू लीव यू सम एडवाइस फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ। Both it may be of use to you and as something to remember me by. चूँकि मेरा स्वास्थ्य, my health was indifferent, चूँकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत समय ना रह सकूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में आचरण के लिए कुछ सलाह छोड़कर जाना चाहता हूँ। जो भी सर्वोत्तम हो वो सलाह मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ, ताकि ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो सके और इस बहाने तुम्हें, तुम्हारे पास मेरी स्मृतियाँ, मेरी यादें जो हैं वो बनी रहें। और कुछ नहीं तो कम से कम मैं तुम्हें अपनी गलतियाँ, अपनी भूलों के प्रति सावधान करने में समर्थ बना सकूँ। आई मे एटलीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स। As we went along to your new place of destination, you often repeated that you durst say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. जब हम तुम्हारे destination, that means मंजिल, जब हम तुम्हारे गंतव्य, मंजिल, नए स्थान पर पहुँचे थे, that means your school, तब तुमने कई बार कहा था कि तुम्हारे विद्यालय के विद्यार्थी मूर्ख और अप्रिय थे। इसमें तुम्हारा ही दोष है। बहुत अच्छा पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की आशा करो। यू वर टू ब्लेम इन दिस, इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्रैरी एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम endeavor to put up with them as well as you can if you cannot alter them. एक बहुत बड़ा ही अच्छा पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की आशा करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक चीज़ें तुम्हें विपरीत न जान पड़ें, तब तक चीज़ों को हमेशा सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और फिर उनके विरुद्ध अपने आप को परेशान करने के बजाय जितना अधिक से अधिक हो सके उनके साथ सामंजस्य करने की कोशिश करो, यदि तुम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, दिस वॉज रॉन्ग। वॉट यू मेंट वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम। तुमने कहा
कहा था कि तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो वह विद्यालय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह गलत है। तुम्हारा असली मतलब यह था कि तुम घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जब तक तुमने विद्यालय को यथार्थ रूप से नहीं देखा, तब तक कैसे कह सकते थे कि तुम्हें विद्यालय पसंद है या नहीं है। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इट अ ट्रायल। अदरवाइज योर सेइंग दैट यू शुडंट लाइक इट वॉज डिटरमाइनिंग दैट यू वुडंट लाइक इट। Never anticipate evils or because you cannot have things exactly as you wish, make them out worse than they are through mere spite and willfulness. तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो वह विद्यालय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह गलत था। तुम्हारा असली तात्पर्य क्या था? तुम घर छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जब तक तुम विद्यालय को यथार्थ रूप से नहीं देखोगे, तब तक कैसे कह सकते हो कि स्कूल विद्यालय जो है वो तुम्हें पसंद नहीं है। अन्यथा यह तुम्हारा कहना कि विद्यालय पसंद नहीं है, इसका निश्चित रूप से तात्पर्य था कि तुमने इसे नापसंद करने का मूड बना लिया था। पहले से चीज़ों के बारे में कभी बुरा मत सोचो। मन में पहले से ही गलत धारणाएँ मत बना लो, क्योंकि तुम्हें ठीक अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो तुम सिर्फ द्रोह और स्वेच्छाचारिता के द्वारा उन्हें खराब बना दोगे। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज और रेदर टू सेट योरसेल्फ अगेंस्ट देम बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू। तुम अपने विद्यालयीन सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स को उपेक्षित भाव से देखते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी हैं, वे तुम्हारे लिए नए हैं, इसलिए तुमने अपने आप को उनसे दूर रखा। तुम जितना उनके बारे में कम जानते थे, उतना ही कम वे भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। इसलिए उनका तुमसे दूर रहने का यही कारण रहा होगा जिसे तुमने एक अड़चन समझ लिया। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, सो दिस वुड हैव बीन अ रीजन फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल, विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजिडेंस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम। कभी दूसरों के प्रति पूर्व आग्रह नहीं बनाना चाहिए, पहले से ही गलत धारणाएँ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। It is a bad reasoning and makes enemies of half of the world. Otherwise, you will make half of the world your enemy. इस तरह से तो तुम आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे। Do not think ill of them till they behave ill to you. जब तक सामने वाला तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता, तब तक उनके बारे में बुरा मत सोचो। And then strive to avoid the faults which you see in them. और उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखो। दिस विल डिसार्म देयर हॉस्टिलिटी सूनर देन पिक यू और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट। इससे प्रतिशोध, क्रोध या शिकायत की तुलना में उनकी जो शत्रुता है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आई थॉट यू वर डिस्पोज्ड टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज योर ओन। मुझे लगा कि कुछ लड़कों की ड्रेस तुम्हारे स्वयं की जैसी अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम उनकी आलोचना करते थे। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। जब किसी की मजबूरी हो तो उसके लिए किसी से कभी नफरत मत करो, कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंसेस योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नियर ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहूँगा कि दुनिया के व्यर्थ के उपहासों के विरुद्ध अपने आप को संतुलित बनाए रखो। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपना मूल्य उनसे अधिक समझो। I hope you will neither be the dupe nor victim of vulgar prejudices. मैं चाहूँगा कि ना तो तुम दुनिया में ठगे जाओ और ना ही निम्न स्तर के पूर्वग्रहों का के शिकार बनो। Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help. I might have said, never
डिस्पाइज एनी वन एट ऑल, किसी से कभी भी बिल्कुल घृणा मत करो, क्योंकि घृणा से तात्पर्य है दूसरों की कमियों पर विजय या उसमें आनंद प्राप्त करना। फॉर कंटेंट इम्प्लाइज अ ट्रायम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर, इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कंग्रेचुलेट योरसेल्फ ऑन देयर फेलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स। उनकी असफलता, उनके दुर्भाग्यों पर तुम प्रसन्नता महसूस करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो, अपने आप को बधाई देते हो, ये बिल्कुल गलत है। द सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू अवर सेल्फ लव इज अ पेनफुल फीलिंग्स एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन। इस तरह की भावना बहुत ही कष्टदायक होती है, किसी भी प्रकार से इस तरह की फीलिंग्स आनंददायक नहीं होती। You complain since that the boys laugh at you and do not care about you and that you are not treated as you were at home. तुम शिकायत करते हो कि स्कूल के लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी परवाह नहीं करते, जैसा तुम्हारे साथ घर पर व्यवहार होता था वैसा व्यवहार भी नहीं करते। My dear son, that is one chief reason for your being sent to school, to inure you betimes to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet within life. मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विद्यालय भेजने का एक प्रधान मुख्य कारण यही था कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से तुम सामंजस्य करना सीख लो। You should adjust yourself in your life. You cannot always be with me and perhaps it is as well that you cannot. तुम सदा हमारे साथ नहीं रह सकते और शायद रहोगे भी नहीं। But you must not expect others to show the same concern about you as I should. लेकिन तुम दूसरों से वही अपेक्षाएं नहीं कर सकते जो तुम मुझसे करते थे। घर में, परिवार में तुम उनसे जितनी भी अपेक्षाएं करोगे तुम्हें मिलेगा, बट स्कूल में और संसार में दूसरों से तुम वो अपेक्षाएं नहीं कर सकते। यू हैव हिदरटो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे अ गुड डील बोथ इन द हाउस एंड अमंग योर प्ले फेलोज विथ हुम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर। तुम अभी तक बिगड़े बच्चे रहे एंड बहुत कुछ अपनी मनमर्जी से चला करते थे, घर में भी और अपने खेल के साथियों के बीच में भी जिनका नेतृत्व करने के तुम शौकीन थे। प्लेग्राउंड में भी तुम एक लीडर की तरह रहते थे, परंतु तुम्हारा स्वभाव अच्छा है और तुम्हारे भाव भी बहुत अच्छे हैं। समय आने पर इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। But you have good nature, good sense, and you will get the better of this in time. You have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourself and who have something else to attend to beside humoring your whims and fancies, and you feel this as a repulse or piece of injustice. अब तुम उन दूसरे लड़कों के बीच में हो जो तुम्हारी बराबरी के हैं, कुछ तुमसे बड़े भी हैं और तुमसे कुछ अधिक शक्तिशाली भी हैं, और जिनके पास तुम्हारी सनक, विम्स एंड फैंसीज मीन्स सनक और कल्पनाएं को पोषित करने के अलावा बहुत से दूसरे काम हैं। दे शुड नॉट एंटरटेन यू, दूसरे काम हैं और तुम्हें ये विकर्षण या अन्याय लगता है, परंतु सीखने के लिए ये पहला पाठ है। बट दिस इज द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योरसेल्फ। यह तुम्हारे लिए सीखने का पहला पाठ है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा दूसरे लोग भी हैं, तुम्हें उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। There are a number of boys in the school where you are whose amusements and pursuits, whatever they may be, are and ought to be as much consequences to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn. जहाँ तुम हो वहाँ ढेर सारे, बहुत सारे दूसरे लड़के हैं जिनके मनोरंजन और लक्ष्य उनके लिए ठीक वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए जैसे कि तुम्हें अपने लिए लगता है। इसीलिए तुम्हें उनको भी अवसर देना चाहिए।
तुम अपने आप को महत्व देने के बचपने को जितना अधिक महत्व दोगे उतने ही तुम वंचित रहोगे और उपहास के पात्र बनोगे. द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पॉर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, दैट मीन्स जितना तुम अपने आप को वहाँ उनके सामने महत्व दोगे उतना ही यू विल ओनली एक्सपोज योर सेल्फ टू बी द मोर थ्वार्टेड एंड लाफ्ड एट. दैट मीन्स यू विल बी लाफ्ड बाय अदर पीपल, लोग तुम्हारा उपहास करेंगे. ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम. सच्ची समानता ही एकमात्र सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमता होती है. बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम. दैट मीन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू बिकॉज ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस. धन और पोजीशन के कारण समाज में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. समाज में सभी व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए. रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी. हमेशा याद रखो कि तुम बहुतों में से एक हो और तुम्हें समाज में अपने स्थान को निर्धारित करने में गलती नहीं करनी चाहिए. इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड. इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न. अपने पिता के घर पर तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, पर दुनिया के हर मोड़ पर प्रतिभागी मिलेंगे. You are not born a king's son to destroy or dictate to millions. तुम किसी राजा के पुत्र नहीं हो. तुम केवल उनके भाग्य के साथ सहभागी बनने के लिए सिर्फ अपेक्षा कर सकते हो. लाखों लोगों को नष्ट करने के लिए या उन पर तानाशाही नहीं कर सकते. You can only expect to share their fate or settle your differences amicably with them. तुम हमेशा दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चलो. एमिकेबली मीन्स फ्रेंडली. हमेशा दूसरों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखो. यू शुड शॉर्ट आउट ऑल द डिफरेंसेस, ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रेंडली एमिकेबली. यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल एंड आई विश यू टू बी रिकॉन्साइल्ड टू योर सिचुएशन एज सून एंड विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन. तुम्हें विद्यालय में ऐसा ही वातावरण मिल रहा है और मेरी कामना है कि तुम अपनी परिस्थिति से जितना शीघ्र हो सके सामंजस्य बना लो और जितने कम कष्ट से हो सके समझौता कर लो. योर अफेक्शनेट फादर विलियम हैजलिट. तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैजलिट. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. जय हिंद बच्चों.